हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिंग लैब पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही इफेक्टिव कॉन्सेप्ट लाया हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझने से आप बहुत अपने ट्रेडिंग में ट्रेडिंग की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है बिड, आस्क और स्प्रेड का। दोस्तों, जब भी बिड क्या होता है दोस्तों, बिड कोई भी चीज अगर हम खरीदते हैं तो हम उसके लिए बिड करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी यही होता है कि जो भी हम कोई भी स्टॉक हम खरीदेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिड करेंगे। बिड मतलब उसके लिए कोई प्राइस बोलेंगे। तो मान लीजिए हमें रिलायंस का स्टॉक खरीदना है, तो हमें वो स्टॉक 100 रुपए पे खरीदना है, तो 100 रुपए मेरा बिड प्राइस हो गया। अब देखिए आस्क प्राइस क्या होता है। जब भी कोई किसी से आप स्टॉक खरीदेंगे तो उसके अगेंस्ट आपके आपके सेलर कोई खड़ा होगा, तो वो सेलर आपको किस प्राइस पे वो स्टॉक दे रहा है। मान लीजिए वो आपको 105 रुपए पे देने को तैयार है, तो ये 100 और 105, ये डिफरेंस जो हो गया ये आपका स्प्रेड हो गया। ये स्प्रेड कितने का हो गया, ये 5 रुपए का आपका स्प्रेड हो गया। ये एक एग्जांपल है दोस्तों, रियल टर्म्स में ये स्प्रेड कम भी होते हैं और कई स्टॉक्स में ज्यादा भी हो जाते हैं। और मान लीजिए ये 100 रुपए का स्टॉक है और बायर आपको 102 रुपए पे दे रहा है, तो आपका स्प्रेड हो गया 2 रुपए का। और अगर हम इसे परसेंटेज टर्म्स में देखें तो ये 5% बनता है और ये आपका 2% बनता है। तो दोस्तों, ये एक इतना ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी, जब भी आप किसी ब्रोकर पे अकाउंट खुलवाएंगे तो वो आपको ब्रोकरेज के बारे में बताएगा कि सर मैं आपको 2 पैसे दे दूंगा, 2 पैसे 100 रुपए पे दे दूंगा इंट्राडे में, 1 पैसा 100 रुपए पे दे दूंगा इंट्राडे में। लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि वो स्प्रेड कितना ले रहे हैं बीच में, क्योंकि इसमें ये जहां स्प्रेड आता है वहां पे जो है ब्रोकर्स भी, कई ब्रोकर्स भी हैं जो मैनिपुलेट करते रहते हैं उस स्प्रेड को, क्योंकि वो स्लिपेजेस भी होती हैं और इसे स्लिपेजेस का भी नाम दे सकते हैं। तो आप सबसे पहले जब भी कोई ब्रोकर का चयन करें तो आप ये देखें कि ब्रोकरेज तो वो क्या दे रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ वो स्प्रेड कितना दे रहा है आपको, वहां पे स्प्रेड कितना आ रहा है। तो ये सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप अपनी ट्रेडिंग की कॉस्ट को बहुत ही कम कर सकते हैं और अच्छे ब्रोकर का चयन कर सकते हैं जो कि आपको स्प्रेड जो है वो कम दे। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली कि ये बिड और आस्क स्प्रेड आप देख कहाँ सकते हैं। देखिए ये दोस्तों, ये ज़िरोधा का काइट प्लेटफॉर्म है और ये बहुत ही एडवांस प्लेटफॉर्म है आज की डेट में। ज़िरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है जो कि फ्लैट ब्रोकरेज रेट्स देती है आपको, जो आप इसके बारे में ज्यादा पढ़ सकते हैं, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। देखिए ये निफ्टी के लिक्विड 15 स्टॉक्स हैं, यहाँ से यस बैंक, वीईडीएल, ऑरो फार्मा, ये निफ्टी के लिक्विड 15 स्टॉक्स हैं। तो जो लिक्विड स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर स्प्रेड इनहेरेंटली कम होता है। तो यहाँ पे आप जब भी इसको क्लिक करेंगे, 3 एरो बने होते हैं, 3 जो बार्स बने होते हैं लाइंस, इससे मार्केट डेप्थ खुल जाती है। मार्केट डेप्थ मतलब इस समय बिड्स और ऑफर्स कितने चल रहे हैं, बिड प्राइस मतलब इस प्राइस पर कितने बायर्स खड़े हैं और इस प्राइस पर ऑफर में कितने सेलर खड़े हैं। तो आप यहाँ पे भी डिफरेंस देख सकते हैं कि बायर और सेलर के बीच में जो है स्प्रेड कितना आ रहा है। तो इसमें कई बार ये होता है कि जो ब्रोकर्स भी है वो स्प्रेड को कई बार मैनिपुलेट कर लेते हैं अपने अपने बेनिफिट के लिए। तो आप एक अच्छे ब्रोकर का चयन करें जिसका कि ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और जो इन चीजों को मैनिपुलेट अपने लिए नहीं करता है, अपने बेनिफिट के लिए नहीं करता है। और अगर जहां तक हो सके ऐसे स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करें जो बहुत ही ज्यादा लिक्विड है, और जो बहुत ही ज्यादा लिक्विड स्टॉक्स होंगे उनमें जो है आपको स्प्रेड बहुत कम मिलेगा। तो निफ्टी के जो लिक्विड 15 स्टॉक्स हैं दोस्तों ये हैं। मैं निफ्टी का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा जहां से आप डायरेक्टली निफ्टी के लिक्विड 15 स्टॉक्स देख सकते हैं और उसमें ही ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। बिड, आस्क और स्प्रेड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई कमेंट है या कोई सजेशन है तो ज़रूर उसे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स में ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।